बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्यौहार कल है, आज आखिरी दिन बचा हुआ है, इसलिए लोग त्यौहार की ज़रूरत के मुताबिक जितना भी सामान है ख़रीदने के लिए बाज़ार आए हुए हैं। कल बाज़ार पूरे दिन बरसात की वजह से ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, इसलिए लोग आज अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि कल त्यौहार है और आज आखिरी दिन बचा हुआ है। बाज़ार में आज रौनक देखने को मिल रही है। जिस तरह आप इस वीडियो में देख रहे हैं, वहीं चौक चौराहों पर आज अक्सर मेवा यानी अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू, इलायची और खीर का सामान बिक रहा है। वहीं लोग बाग अपने परिवार के लिए कपड़ों की भी खरीदारी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में आज के दिन बाज़ार में रौनक दिखाई दे रही है। ईद उल फित्र के बाद ईद उल अजहा का त्यौहार मुसलमान समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। इस त्यौहार पर मुसलमान समुदाय के लोगों को दो रकात नमाज के बाद लगातार 3 दिन तक कुर्बानी करनी होती है और एक दूसरे में खुशियां बांटते हैं। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।